हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका हमारे चैनल को और क्रिएटर 74 पर। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन कवर, और जिसके लिए आपको चाहिए अखबार, न्यूज़पेपर, एक लेस का टुकड़ा और गोटा पत्ती। ये सभी मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको भी कुछ यूज करें। और ये कपड़ा भी मेरे पास ऐसे ही वेस्ट था। और ये देखिए, 16.5 इंच इसकी लंबाई है और 14.5 इंच इसकी चौड़ाई है। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से रख सकते हो। तो आप सबसे पहले आपने इसको, ये देखिए, अखबार के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो उसके बिना भी आप, ये देखिए, इस पर गोटा पत्ती लगा सकते हो। मैंने पहले बताया था आपको पेपर लगाने का। हर किसी के पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो आपने ऐसे इस जो न्यूज़पेपर है इसको सिंगल करके पहले इस पर निशान लगा देने हैं कपड़े पर, और उसके बाद हम इस न्यूज़पेपर को सिंगल करेंगे और इस कपड़े के साथ सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये प्रेस से तो चिपकेगा नहीं। ये देखिए, मैंने 1.5 इंच पर लगाए हैं निशान, क्योंकि ये स्केल है जो 1.5 इंच है, तो इससे आसानी से जो मार्क हैं वो लग जाएंगे। आप ऐसे ही लगा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी स्केल से लगा सकते हो, इंची टेप से भी लगा सकते हो। ऐसे ही हमने निशान लगा देने हैं, हाफ पार्ट में ही लगाएंगे। और अब हम इसका फिर से करेंगे हाफ। ये देखिए, हमें एक कोने से दूसरे कोने तक रखना है और हाफ में ही निशान लगाने हैं। आप अगर कम चौड़े, कम ज़्यादा चौड़े, जितना भी आप डब्बी इसको करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये देखिए, मैंने ऐसे मार्क लगा लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को भी पूरा देखना प्लीज़, तो आपको समझ लग जाएगी कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर को, ये देखिए, सिंगल कर देंगे और इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। न्यूज़पेपर लगाने का मतलब होता है कि हमें जो क्वाल्टिंग करनी है, गोटा पत्ती लगानी है, वो लगाने में आसानी हो जाती है और कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होता है। अगर आप इसके बिना करोगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा और बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी, और जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको हम कटिंग कर देंगे और सिलाइयाँ लगा देंगे। हमने चारों ओर सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। मतलब मैंने दो पार्ट में ही लगाई हैं सिलाइयाँ, पूरे में नहीं लगाई हैं, क्योंकि हमें पूरे में ज़रूरत भी नहीं है इस न्यूज़पेपर की। तीन सिलाइयाँ लगा दी हैं, मतलब दो साइड पर और एक सेंटर में। और अब हम इस पर लगाएंगे लेस, जो मैंने पहले प्लाजो पर भी लगाई थी उसमें से बचा हुआ है ये टोटा। ये देखिए, हम ऐसे लगा देंगे इसको। हम इस कोने से लैस लगाएंगे। और एक्स्ट्रा हम लैस को कटिंग करती। ये देखिए, हम इस पर एक डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी लैस की फिनिशिंग ज़्यादा आ जाएगी। अब हम लगाएंगे इस पर गोटा पत्ती। हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर लास्ट में एक बार और लगाएंगे, क्योंकि हमने जो साइड वाली लगानी है गोटा,
जी हमने इसलिए लगाया है ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ तक लगाना है। गोटा पत्ती लगाने के बाद आप इसकी सिलाई बाद में करोगे और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो प्लीज़, क्या पता किसी के काम आ जाए, क्योंकि हर किसी के पास कपड़ा होता है वेस्ट जो भी सिलाई करते हैं। आपने पूरे पर ऐसे ही लगा देनी है। ये देखिए हमने एक साइड लगा दी है गोटा पत्ती और अब हम दूसरी साइड लगा रहे हैं। इसको आपने ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करना है और बिल्कुल उसके नीचे ही रखना है ताकि बाहर ना निकले। और जो हमने सबसे पहले लगाई थी सिलाई गोटा पत्ती की उसके साथ ही रखना है। ये देखिए ऐसे ही आप पूरे पर लगा लेंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ये देखिए हम एक एक करके लगा रहे हैं पूरे पर। अगर आपको दूसरी साइड से कुछ परेशानी है तो आप इस साइड से ऐसे भी लगा सकते हो। ये देखिए और हम एक्स्ट्रा लेस को काट के फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने पूरे पर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर एक और लगाएंगे जहाँ पर हमने पूरे गोटा पत्ती के जॉइंट लगाए थे उसके ऊपर, ताकि वो फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। और इसको लगाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये देखिए हमारे हो गया है कंप्लीट। अब हम जो न्यूज़पेपर लगाया था उसको हटा देंगे। आपने ऐसे ही हटा देना है। ये सेफर हमने इसलिए लगाया था ताकि हमें गोटा पत्ती लगाने में आसानी हो। ये देखिए हमने पूरे पर हटा दिया है और जो हमारी लेस के अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। इसको हमने ऐसे देखे और रख दिया ना। अब हम इस पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये देखिए हम 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं और वो भी आपको बताएंगे कि क्यों लगाने हैं। जहाँ से हम कटिंग कर देंगे और हमें एक टुकड़ा चाहिए 5 इंच का, आप 6 इंच का भी ले सकते हो। ये देखिए मेरे पास कपड़ा था तो मैंने उसमें से 5 इंच का कपड़ा काट लिया है। जो भी फालतू होगा हम उसको काट देंगे। ये देखिए और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। दोनों साइड जो हमने कटिंग किया है, जो दूसरा बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने फोल्ड कर दिया है और अब हम इसको ऐसे दूसरे कपड़े पर रखेंगे। ये देखिए इस पर, और इस पर हम पिन लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल इक्वल रखना है। इसको बराबर रखने के बाद इस पर हम पिन अप करेंगे, ऐसे रखेंगे। ये देखिए हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी और ये भी उल्टी है।
आपने उल्टी साइड ही रखनी है ऊपर, जहाँ पर पिन लगाने से आपको सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। और इसके बाद आपने इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हम इस पर अब सिलाई लगाएंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा काट छाँट इसलिए नहीं करती कि आपको पता चले कि कैसे हमने पूरे की सिलाई की है। अगर आधा अधूरा बताते हैं तो आप लोगों को पजल हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। और प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आवाज़ में थोड़ी भारीपन है। हमारी चारों सिलाइयाँ लग गई हैं। ये देखिए हम जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर देंगे और पिन निकाल देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। अक्सर आपके घर में कुशन होते हैं बने हुए, और उन पर आप ऐसे ही बनाकर कुछ भी कपड़े का लगा सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है हमारा कुशन। अब हमने इसमें कुशन डाल दिया है और इस पर ऐसे ही मैंने दो हुक लगा दी हैं। ये देखिए बिल्कुल इसके कोने हैं, जो इसके कोने में ऐसे ही लगा देने हैं। और ये देखिए हमारा कुशन रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो फुल वॉच किया उसके लिए थैंक यू।